हाय गाइड, सबका ऑटो अंकल चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तू झूठी मैं मक्कर 2 घंटा 44 मिनट की मूवी है और फर्स्ट हाफ तो आप लोग ने देख लिया होगा कि आपको मैं बता दिया था। अगर फर्स्ट हाफ में थोड़ी मेहनत करते थे, देखो मैं बता, ये मूवी जो है इस तरह की जो भी मूवी बनती है इसमें बहुत मेहनत लगता है। डायरेक्शन इनकी काबिले तारीफ है, डायरेक्शन में कुछ कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी फर्स्ट हाफ में इन्होंने मूवी जो खींचा वो थोड़ी बेकार लगी। इंटरवल के बाद जो है थोड़ी अच्छी लग रही है और अच्छी खासी चल रही है, मतलब कॉमेडी उमेडी इतना कुछ खास नहीं, लेकिन कॉमेडी उमेडी है, फैमिली ड्रामा है। और ये मूवी है, जहाँ तक हो सके अगर ये मूवी बहुत पहले, अगर ये मूवी जैसे बोलते हैं ना 90 के दशक, 95 96, उस टाइम पे ये मूवी बहुत चली, ऐसी मूवी बहुत चलती थी। लेकिन आज के तारीख में जो है, आज के नए जनरेशन के हिसाब से ये जो है, जो आज के जनरेशन है उनको पसंद आएगी, और जो है फैमिली, पूरी फैमिली को नहीं पसंद आएगी लेकिन नए जनरेशन को पसंद आएगी। अब रहेगी ये मूवी का मैं बात करूँ, जो इन्होंने लास्ट का जो सीन है ना बहुत अच्छा है, जो कि बहुत से ऐसे मूवी में देखा गया है कि लास्ट में हीरो जो है हीरोइन को जब कहीं लंदन जाती, पेरिस जाती, तो उसको जा करके, मतलब उनको रोक करके और कन्वेंस करने का हीरो करता है, लेकिन यहाँ पर पूरी फैमिली कन्वेंस करती, मतलब कुछ हट के इन्होंने कुछ बनाने की कोशिश की। लेकिन पब्लिक को आज के तारीख में ऐसी मूवी जल्दी ये पसंद नहीं आएगी। पहली बात, ये मूवी जो है आज के जनरेशन को ज़्यादा पसंद आएगी, और जो है देखा जाए तो ये मूवी जो है एक बार देखने लायक है, वन टाइम वॉच, तो आप एक टाइम देख सकते हैं। और पहली बात है कि अगर बैठ भी गया तो आपका पैसा ख़राब नहीं जाएगा, आपका पैसा वेस्टेड नहीं जाएगा। क्यों? इसमें अच्छी अच्छी सीन बताए गए, अच्छे अच्छे मतलब लोकेशन बताए गए, वो सबसे बात इसमें ये रहती। तो दोस्तों, ये मूवी जो है जहाँ तक देखा जाए मुझे तो ठीक लगी, इंटरवल के बाद, इंटरवल के पहले इतनी कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए जो मैं आपको बताया था कि इंटरवल पूरी मूवी देखने के बाद ही इसे स्टार मिलेगा, तो मैं एक ही मैं बात बोलता हूँ, रणबीर कपूर का जो इसके अंदर जो इसमें पर्सनालिटी जो देखने को मिली बहुत अच्छा है। और सुपर स्टार के हिसाब से देखा जाए तो जो ये सुर्खियों में थे आज के तारीख में, इन्हें सुपर स्टार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो है अगर आगे अगर कोई मूवी हिट होती है तो ये सुपर स्टार कन्फर्म है। और आज जो है देखा जाए जिस हिसाब से इन्होंने दिखाया, जैसे ऋषि कपूर है, लग रहा है कि अब जो है ये ऋषि कपूर, मतलब पूरे जो है राज कपूर जो इनकी पुश्तैनी है, सही में उसी तरह से ये मतलब चल रहे हैं। तो दोस्तों, आगे तक चलेंगे, और ये मूवी जो है जहाँ तक देखा जाए डायरेक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है, थोड़ी खींची गई है, और गाना जो है, गाना एक नंबर है, जो जिसने भी गाया है बहुत अच्छा लग रहा है गाना। एक गाने में भी जो जैसे भी गाना गाया है इसके अंदर, कहीं भी मतलब ये नहीं हुआ, बोरिंग नहीं हुआ, गाना एक नंबर है, बहुत अच्छा है। जिसने भी गाया है वो बहुत आगे जाएंगे, और गाना इज़ बेस्ट, गाना जिसने भी गाया है उसे जो मैं पूरे के पूरे 5 स्टार देता हूँ, गाना बहुत अच्छा है, ये मूवी के अंदर पूरा गाना अच्छा है। तो इस मूवी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे देता हूँ पूरे के पूरे 3 स्टार, और ये मूवी एवरेज है। चलो नमस्कार, जय।